गांधी से आखिर इतना खौफ क्यों लगता है? उन्होंने क्यों कहा भाजपा की अघोषित प्रवक्ता ने पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जन कैसे काम किया? पॉलिटिक्स में अक्सर कहा जाता है ये दाग अच्छे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूँ किरण राय। प्रियंका गांधी से आखिर इतना खौफ क्यों लगता है? जब से प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव जो हैं वो राजनीति में सक्रिय हुई हैं, तब से हम देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, मोदी से लेकर योगी तक, भाजपा से लेकर आरएसएस तक, एक छोटे अधिकारी से लेकर सरकारी बाबू से लेकर बड़े नौकरशाह तक, सब उन पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां वर्चुअल माध्यम से कर रहे हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से यूपी पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जो एनआरसी का मामला था उसको लेकर मैं यहाँ बात कर रही हूँ। हमने ये भी देखा कि किस तरह से उनसे एसपीजी की सुरक्षा जो उनको दी गई थी उसको एक झटके से ले लिया गया। उसके बाद उनसे मकान खाली करने को कहा गया, क्योंकि एसपीजी की सुरक्षा आपके साथ नहीं है तो आपसे ये जो आपको एक रियायत दी गई थी मकान की, वो आपसे अब ले ली जाती है, उनको नोटिस भिजवाया गया। उसके बाद हमने देखा कि प्रवासी मजदूरों का जो मामला था कि प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के लिए, उनके घरों तक छोड़ने के लिए कांग्रेस महासचिव ने ये प्लान किया था कि उनके लिए बसेस जाएंगी, राजस्थान से बसेस आएं, उसको लेकर हमने देखा कि कितनी एक जैसे टग ऑफ वॉर चला और उस चीज़ को लंबा खींचा गया या जानबूझ के उसे मुद्दा बनाया गया। क्यों हो रहा है ऐसा? इस सवाल को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्योंकि प्रियंका में लोगों को शायद, या ऐसा विपक्ष को या ऐसा जो सत्ताधारी पार्टी है उसको लगता है कि इनमें एक जिसे कहते हैं उम्मीद की किरण है कांग्रेस के लिए, और जनता भी कुछ उसी तरह से उसी नज़रिए से इस चीज़ को देख रही है। इतना ही नहीं, अगर हम देखें कि प्रियंका गांधी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ट्विटर पे आक्रामक तौर से वो उभर कर आ रही हैं, तो जो सत्ताधारी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको लगता है कि आक्रामकता तो उनका हथियार था, उसी हथियार के बल पर वो सत्ता में बैठे। अब कांग्रेस उसी तरह से उसी चीज़ को फॉलो करके अपनी जगह बना रही है और बार बार अपनी इम्पोर्टेंस प्रूव करने की कोशिश कर रही है, वो चाहे नेगेटिव तरीके से हो चाहे पॉजिटिव तरीके से हो, बार बार वो सरकार के हर एक पॉलिसी पे, हर एक उसके कदम पर सवाल उठा रही है। खासकर हम यूपी की अगर बात करें या हम प्रियंका गांधी की बात करें कि प्रियंका से डर लग रहा है। बात ये भी उठनी चाहिए कि आखिर ऐसा इस दौर में, जबकि कोरोना का दौर है, जबकि चाइना हमारे सर पे खड़ा है, तो उसको इन सब चीज़ों के बीच में इस तरह का क्यों किया जा रहा है? तो इसको कहा जा सकता है कि ये ध्यान भटकाने की राजनीति भी हो सकती है। राजनीति में ऐसा चलता रहता है कि आप जो मैंने कहा ना, भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, इनका आईटी सेल लगा हुआ है। प्रियंका एक ट्वीट करती नहीं है कि पीछे से 50 तरह के अनर्गल ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं, मतलब मर्यादा का तो तार तार करके रख देते हैं। ये हमने अभी हाल ही में देखा जब उन्हें वो कानपुर का बाल संरक्षण गृह वाला जब मामला सामने आया, लड़कियों से जुड़ी हुई, नाबालिग लड़कियों से की गई हैवानियत को लेकर लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, प्रियंका ने भी सबसे पहले ट्वीट किया और कई सवाल उन्होंने किए, तो उनके पास नोटिस चला गया कि आपने ये कैसे इस तरह के सवाल उठा दिए और ये ब्रीच है। इस तरह की चीज़ें हुई तो प्रियंका ने साफ कहा कि मैं भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं और मैं अपनी दादी की पोती हूं। उन्होंने क्यों कहा भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विपक्ष काम कर रहा है यूपी में, वो बिल्कुल वो पटल से, राजनीतिक पटल से वो नदारद दिख रहा है, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो,
ये सत्ताधारी पार्टी भी जानती है कि ये पार्टियां जो हैं अब इनकी इम्पोर्टेंस या इनकी जिसे कहते हैं कि लोगों के बीच एक जो छवि है वो उस तरह की नहीं रह पाई है, और इसमें प्रियंका कहीं ना कहीं उसमें सेंध मारी कर रही हैं और अपने तरीके से वो चल रही हैं। तो शायद यही एक कारण रहा कि प्रियंका ने जब लखनऊ जाने का फैसला किया कि ठीक है मैं लखनऊ जाऊंगी और अपनी जो इंदिरा गांधी की मामी थी उनके घर में अपना ठिकाना बनाऊंगी, इसके पीछे भी यही था कि शायद वो राजनीति यूपी में बताना चाहती हैं कि वो यहाँ लौटने नहीं आई हैं बल्कि यहाँ अपने दम पे अपने बलबूते पे खड़ी होके और कुछ अच्छा सोच के या उस पॉलिटिक्स में कुछ चेंज लाने के लिए वहाँ पे वो अपनी अपनी अपना मैदान पुख्ता करना चाह रही हैं। तो हमने यही देखा जो मैं कह रही हूँ कि पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जन कैसे काम किया, उन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया और तुरंत यहाँ पे हमने देखा कि उस मुद्दे को उछाल दिया गया कि जो फ्लैट था उसको वो खाली कराया जाए, उसके लिए नोटिस चला गया। दिखाने की ये कोशिश की गई जैसे मैंने कहा दिल्ली से लखनऊ तक कि ये लखनऊ तो जा रहे हैं लेकिन इनकी छवि कहीं ना कहीं टार्निश हो रही है कि देखो इन्होंने इलीगली या बिना किसी जरूरत के गैर जिम्मेदाराना अंदाज में वहां पे ये रही और जब यहाँ आ रहे हैं तो इनके साथ ये एक दाग जो है वो भी साथ में आ रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स में अक्सर कहा जाता है ये दाग अच्छे हैं और कुछ ना करके भी नाम हो जाना, बदनाम होना भी पॉलिटिक्स में बढ़िया ही होता है। यही वजह है कि बार बार प्रियंका गांधी को टारगेट किया जा रहा है और प्रियंका मजबूती के साथ वो चुप नहीं बैठी हैं ट्विटर के माध्यम से। तभी केशव प्रसाद मौर्य को बाहर आके ये कहना पड़ा कि प्रियंका ट्विटर वढेरा, इस तरह से उनको नाम दिया गया। जब उन्होंने इंदिरा की पोती होने की बात कही तो बहुत गंदे तरीके से उन्हें एड्रेस किया गया। जैसा प्रियंका ने कहा कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, शायद वो भी इसके रिपरकशंस जानती थी, वो भी जानती थी कि जो वो करने जा रही हैं उसको लेकर किस तरह की बातें, किस तरह की राजनीति होगी और उसको वो अपनी स्ट्राइक पे लेने के लिए, वो फ्रंट फुट पे आके खेलने के लिए तैयार हैं। अब मैं अपनी बात को विराम दूंगी और बिना कुछ कहे सोचिएगा कि इसके पीछे क्या बात हो सकती है। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।